व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम उत्कर्ष पांडे, आप देख रहे हैं टेक लीनियर। गाइज, जैसा कि आपको पता है, मैंने अपना HP पवेलियन जो गेमिंग लैपटॉप है उसका पूरा पूरा फुल अनबॉक्सिंग और अपना फर्स्ट इंप्रेशन दिए थे। आई बटन में वीडियो है, जाकर के आप पूरी वीडियो जाकर के वहां से देख सकते हैं। मैंने आपको जैसे बताया था, मेरे लैपटॉप में जो है Ryzen 7 का 4000 सीरीज का प्रोसेसर लगा हुआ है और साथ ही 16 GB की रैम लगी हुई है, 1 TB की हार्ड डिस्क लगी हुई है, 512 GB की SSD लगी हुई है, यही कुछ सारी चीज़ें लगी हुई हैं। और साथ ही साथ में आप सबसे बढ़िया चीज़ है कि मैंने अपने लैपटॉप को 2 months इस्तेमाल कर लिया, मतलब 2 महीने पूरा पूरा इस्तेमाल कर लिया है। मैंने इसमें गेमिंग करी, मैंने इसमें एडिटिंग करी है, साथ ही साथ में कुछ और भी है, ग्राफिक जो एडिटिंग भी करी है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। कोडिंग के लिए भी मैंने एक फ्रेंड से कोडिंग भी करवाई इसमें, कि पता करने के लिए कि लैपटॉप कोडिंग के लिए भी कैसा है, कॉलेज फ्रेंड्स और ऑफिस के लिए कैसा है। तो यही कुछ सारी चीज़ें आप अपनी आज इस लैपटॉप की 2 months के बाद जो इसकी परफॉर्मेंस, वो सारी चीज़ें आज आपके सामने मैं लाने वाला हूँ अपने इस HP पवेलियन जो गेमिंग लैपटॉप है। और आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, इसकी पूरी फुल परफॉर्मेंस तो आज आपको बताऊँगा, साथ में इसकी जो है जो R-Bench 23 और Geekbench 20, ये कुछ सारी चीज़ें हैं जो मैं इस लैपटॉप की आज आपको बताने वाला हूँ। तो यार देर किस बात की, जो लीजेंड से पहले जाकर के वीडियो को मेरी सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल कर लो और मेरी वीडियो को भी लाइक कर लो और साथ में शेयर भी कर लो, जिससे जैसे मैं एक नई वीडियो लेकर के आता हूँ नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो लेट्स स्टार्ट माई वीडियो फॉर HP पवेलियन। ये है कुछ आपके सामने मेरा लैपटॉप जो कि विंडोज 11 अपडेट के साथ है। तो सबसे पहले आपको लैपटॉप की मैं जैसे इसमें जो है शट डाउन करके इस लैपटॉप को, जैसे क्योंकि इसमें SSD लगी हुई है और साथ ही साथ इसमें जो है ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है 4 GB का, 1650 Ti का और साथ ही साथ इसमें 16 GB की रैम भी लगी हुई है, Ryzen 7 है। तो इसको जल्दी से मैं आपके सामने शट डाउन करता हूं और शट डाउन करके इसको तुरंत ही जो है स्टार्ट करूंगा, फिर देखता हूं कि जो है कि ये लैपटॉप कितनी जल्दी जो है शट डाउन होता है। जैसे देखिए शट डाउन होने जा रहा है आपके सामने, ये शट डाउन हो चुका है आपके सामने जो है, और मात्र जो है अब जैसे मैं आपके सामने आपको इसको स्टार्ट करके दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि इसमें SSD लगी है तो बहुत जल्दी ये काम करता है। अब ये देखिए आपके सामने, जैसे ही मैं इसको स्टार्ट कर रहा हूं, विद इन 10 सेकंड के अंदर पूरा का पूरा लैपटॉप स्टार्ट हो जाएगा। ये लैपटॉप की जो है परफॉर्मेंस है, जैसे देखिए मैं गिनता हूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and that's all 10। लैपटॉप ये आपके सामने ऑन हो चुका है और बस जल्दी से मैं इसके सामने आपके पिन डालता हूं और पिन डालते ही मेरा लैपटॉप ये तुरंत ही चालू हो जाएगा। ये मैंने इसमें डाली पिन और ये मेरा लैपटॉप हो गया चालू। ये देखिए मतलब लगभग 10 to 12 seconds में लैपटॉप पूरा पूरा आपके सामने जो है ये स्टार्ट हो चुका है विंडोज़ 11 अपडेट के साथ है। सारे के सारे इसमें अपडेट आ चुके हैं। अब Geekbench मैंने इसके सामने आपको मैं जल्दी से जो है दिखा देता हूँ Geekbench जो आपको चला करके। गाइस आपके सामने मैं अपने इस लैपटॉप में Cinebench R23 आप देख सकते हैं, इसको मैं रन करने वाला हूँ। ये आपको पैसे की पता है मल्टी कोर सिंगल कोर, साथ ही रैम और साथ में जो प्रोसेसर होता है पूरी पूरी फुल परफॉर्मेंस उसकी निकाल के आपको दिखा देता है। आपका प्रोसेसर ग्राफिक कार्ड किस तरीके से काम कर रहा है विंडोज 11 में किस तरीके का, तो मैं जल्दी से आपको स्टार्ट करके इसका दिखाता हूँ। पहले ये मल्टी कोर का स्टार्ट करता हूं, मैं फास्ट फॉरवर्ड जरूर कर दूंगा। ये मैंने कुछ इसको स्टार्ट कर दिया है, ये स्टार्ट हो चुका है आपके सामने, आप देख सकते हैं इसकी जो फुल परफॉर्मेंस है वो कुछ इस तरीके से कुछ शुरू हो चुकी है और देखिए कितनी फास्ट तरीके से काम कर रहा है। इसी बीच में आपको मैं दिखा देता हूं कि जो मेरा कंप्यूटर है, जो मेरा लैपटॉप है, ये जो है पवेलियन, इसका जो लैपटॉप की जो वो मतलब इसकी जो हीटिंग्स है वो किस तरीके से चल रही है, ये देखिए मैं इसके दिखा देता हूं जो टेम्परेचर है कंप्यूटर का वो किस तरीके से है। आपको मैं थोड़ा सा जूम करके इसमें दिखाता हूँ, ये देखिए जूम करता हूँ इसको सामने और ये देखिए कुछ किस तरीके से इसकी जो परफॉर्मेंस है वो चल रही है। आपको देखिए इसमें सारी चीज़ें दिख जाएंगी कि जो है देखिए 100% CPU की जो यूटिलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है। और बात करें जो है 53 डिग्री सेंटीग्रेड में, आपको मैं स्कैन करके दिखा देता हूँ, ये देखिए 53 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है यहाँ पे जो है GPU जो है 51 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, 99 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है इस समय कंप्यूटर की परफॉर्मेंस चल रही है क्योंकि 100% CPU यूटिलाइजेशन हो रहा है। हालांकि 100% कभी भी नहीं होता, लेकिन जो है Cinebench R23 पूरा निचोड़ लेता है किसी भी लैपटॉप को। तो 99 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है इसकी जो है वो टेम्परेचर्स हैं और देखता हूँ मैं जैसे ही ये खत्म होता है उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है, क्योंकि ये कुछ 2 से 3 बार शायद इसको रन करता है, तो 3 बार रन करने का जिसकी परफॉर्मेंस कैसी होती है लेट्स देखते हैं उसके बाद क्या होता है। अभी मैं इसको आपके सामने मिनिमाइज कर देता हूं। तो ये देख सकते हैं आप यार, जो है मेरा जो Cinebench R23 है सिंगल कोर का, ये कुछ इस तरीके से ख़त्म होने वाला है आपके सामने ये परफॉर्मेंस इसकी। और आपके सामने जल्दी से इसके पॉइंट्स है वो कुछ आने वाले हैं और पॉइंट्स आपको मैं जल्दी से बताने वाला हूं इसके पॉइंट्स क्या आने वाले हैं। ये कुछ ख़त्म हुआ और इसके जो पॉइंट्स हैं वो ख़त्म हो गए, वो पॉइंट्स आए 1241। आपको मैं जूम करके इसको दिखाता हूँ। तो यार ये मेरा Cinebench R23 पूरा जो है अब ख़त्म हो चुका है। आपको मैं जूम करके इसकी पूरी फुल परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। ये देखिए जो मल्टी कोर और सिंगल कोर की जो परफॉर्मेंस है पूरी आपके सामने वो ये है। मैं स्कैन भी करता हूँ जिससे आपको क्लियरिटी से दिखे। और ये देखिए इसकी जो फुल जो परफॉर्मेंस है वो है, जो मल्टी कोर की परफॉर्मेंस वो 10630 Ti है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। और आपको सिंगल कोर की बात किया तो वो 1241 है, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और आपको मैं इसमें नीचे दिखाता हूँ कि ये देखिए
ये देखिए कुछ रैंकिंग वाइज भी जो है सिनीबेंच आर 20 ने इसको जो है वर्ल्ड वाइड बताया है आपको, इसको कंपेयर किया है इसमें सिंगल कोर की। देखिए जैसे देखिए माउस में कर्सर, देखिए मेरा सुपर सिंगल कोर में बताया है, ये जो इसकी जो परफॉर्मेंस है आपकी वो फोर्थ नंबर बताई है, 2.9 गीगाहर्ट्ज़ एएमडी राइजन 7 4800 जो मेरा कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है, 1241 मेरी कुछ इसकी रैंकिंग आई है। और एक और जो प्रोसेसर एएमडी 4800 जो 1242, अगर आप देखें इसको जो कंपेयर किया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो i7 जो 11th जनरेशन है उसकी कुछ थोड़ा सा ही मेरा नीचे है। i7 जो है इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है परफॉर्मेंस इसमें मेरी आ रही है। अगर मल्टी कोर की परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो मल्टी कोर की परफॉर्मेंस देखिए कुछ इस तरीके से आई है, ये मेरी जो है इसमें भी आपको ये फोर्थ नंबर पर आया है, क्योंकि ये देखिए फोर्थ नंबर मेरी रैंकिंग आ रही है इसमें जो है AMD राइजन 7 जनरेशन 4800H जो है मेरा प्रोसेसर है, और 10630 मेरे कुछ जो है इसमें स्कोर्स आए हुए हैं। और ऊपर जो है देखिए AMD के ही प्रोसेसर कुछ अच्छे अच्छे हैं, थ्रेडा पेटर जो प्रोसेसर हैं जो बहुत परफॉर्मेंस हाई परफॉर्मेंस जो प्रोसेसर होते हैं जिनके स्कोर कुछ 30,000 आया, उनके कंपेयर में ये फोर्थ नंबर पर आया है। और आप देखेंगे नीचे तो i7 के प्रोसेसर जो है बिल्कुल लास्ट में आ रहे हैं, i9 का प्रोसेसर भी इससे जो ये देखिए जूम करके आपको दिखाते i9 का जो ये प्रोसेसर है ना ये भी मेरे से नीचे है, ये देखिए i9 का प्रोसेसर है वो 6th नंबर पे है, और मेरा जो है राइजन जो 7 प्रोसेसर है वो 4th नंबर पे आ रहा है। मतलब मेरा जो प्रोसेसर है मल्टी कोर और जो सिंगल कोर वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है सिनीबेंच R23 में। अब बात करते हैं जल्दी से इसकी जो है जो मैंने जिसके लिए लैपटॉप लिया था अपनी वीडियो एडिटिंग के लिए उसके हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस कैसी है आपको जल्दी से दिखाते हैं। ये है मेरा कुछ वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जिसका नाम है फिल्मोरा प्रो, आप देख सकते हैं साइड में ये फिल्मोरा प्रो मेरा ये सॉफ्टवेयर है, और इस सॉफ्टवेयर को मैं आप रेंडरिंग करके आपको जल्दी से दिखाता हूं कि रेंडरिंग कितनी देर में करता हूं, उसकी जो हीटिंग परफॉर्मेंस उस समय में कैसी रहती है। ये मैंने कुछ इसको एक्सपोर्ट में लगाया, एक्सपोर्ट में इसको सेव किया मैंने इसको जो है, और सेव करने का देखिए इसकी जो है परफॉर्मेंस शुरू हो चुकी है, नीचे ये दिखा रहा है। अगर आप ध्यान से देखें इसमें नीचे तो ये देखिए नीचे साइड आपको मैं जूम कर देता हूँ तब आपको हो सकता है कायदे से दिखे, ये देखिए नीचे साइड इसकी जो दिखा रहा है कितनी देर लगेगा, मेरा जो लैपटॉप है 3 मिनट 51 सेकंड्स लगाएगा, 50 सेकंड्स अब तो हो गया कि इतनी देर में रेंडिंग कर लेगा। ये जो मुझे फुल HD 60 FPS मेरी ये वीडियो पूरी फुल रेंडिंग हो रही है, और आपको मैं बता दूं ये जो वीडियो है पूरी पूरी लगभग आपकी 3 मिनट की वीडियो और 3 मिनट की वीडियो 3 मिनट पूरा फुल रेंडिंग करा, उस समय हम हीटिंग परफॉर्मेंस देखते हैं इसकी कैसी रहती है। ये है कुछ इसकी हीटिंग परफॉर्मेंस आपके सामने, और हीटिंग वर्मा हम देखते हैं देख सकते हैं अभी आप जो है 93 डिग्री सेंटीग्रेड ये दिखा रहा है, लेकिन थर्मल्स इसके बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कुछ कंट्रोल होते हैं तो ये कुछ अप डाउन होता रहता है। मैं यार अपने इस लैपटॉप में जो है कुछ गेम्स भी खेले हुए थे, आप जैसे कि वो गेम्स देख सकते हैं मैंने इस लैपटॉप में गेम खेले हुए थे, पहले तो जो है एपेक्स लीजेंड खेला हुआ था, साथ ही सबकी परफॉर्मेंस मैंने टेस्ट करके आपको मैंने इसमें बताई हुई, जैसे कि मैंने एपेक्स लीजेंड गेम खेला हुआ है काफ़ी ज़्यादा बेस्ट तरीके से गेम चलता था, तो मैंने विचर 3 खेला है, जस्ट कॉज 3 भी गेम खेला हुआ है, मतलब इसमें जो है जो ग्राफिक कार्ड है 4GB 64GB का उसके साथ इसकी जो परफॉर्मेंस है वो दी बेस्ट परफॉर्मेंस है 4GB का, और जो है जो इसकी जो ग्राफिक कार्ड है 1650 Ti मेरा जो इसमें ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आती, पूरा जो लैपटॉप है वो हमेशा 100 जो है FPS तक के गेम, और जो कि 144Hz की स्क्रीन लगी हुई है उसके हिसाब से दी बेस्ट चलता है गेम। आप देख सकते हैं इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, मुझे तो बहुत ज़्यादा लगा बेस्ट, ये दी बेस्ट लगा गेमिंग के हिसाब से। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा ये HP पवेलियन जो गेमिंग लैपटॉप है इसका आपको मैंने फुल आपको रिव्यू दिया, आज मैंने बताया कि मैंने 2 महीने के बाद लैपटॉप को इस्तेमाल किया तो 2 महीने के बाद क्या क्या चीज़ें इसमें जैसे कि आई मैंने आपको बताया, जैसे कि आपको बताया इसमें विंडोज 11 का फुल अपडेट स्टेबल अपडेट आ चुका है, तो कुछ बग्स हैं जो अभी विंडोज जो है धीरे धीरे उसको जो है हालांकि ठीक कर रहा है, लेकिन लैपटॉप की जो परफॉर्मेंस है विंडोज 11 में हालांकि बिल्कुल स्मूथ और बिल्कुल मक्खन जैसी लग रही है, क्योंकि जो है एक चीज़ है कि जो HP का जो ट्रस्ट है वो बहुत बड़ा होता है, तो मैं तो इस लैपटॉप को पूरा फुल रिकमेंडेशन करूँगा कि आप लैपटॉप को पूरा फुल आग मूद के लेकर ले सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं जैसे कि आपको कस्टमाइजेशन ज्यादा करने जैसे कि मैंने बताया तो Asus जैसे जो लैपटॉप होते हैं उसमें कस्टमाइजेशन ज्यादा होते हैं, ये लैपटॉप ऑटो मोड में ज्यादा चलते हैं, तो जिनको कस्टमाइजेशन ज्यादा पसंद है RGB लाइटिंग्स पसंद है तो वो जाकर के Asus की तरफ ले सकते हैं, लेकिन जिसको जैसे ऑफिस लुक के लिए चाहिए और भी कई सारी चीजों की चाहिए और साथ में गेमिंग लैपटॉप भी है आपको फुल एडिटिंग करनी है वीडियो एडिटिंग के लिए तो मैं बेस्ट बोलूंगा, गेमिंग लैपटॉप तो है ही है तो उसके लिए तो मैं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब कुछ बेस्ट चीजें हैं जो लैपटॉप आप जो है बिल्कुल जाकर के ले सकते हैं, मैंने प्राइसिंग आपको जैसे कि बताया अपने जो है जो वीडियो आई बटन जाकर देख सकते हैं वहां प्राइसिंग वाइजिंग सारी चीजें बताई वो जाकर वीडियो पूरी फुल जाकर के अभी जाकर के देखिए, और साथ ही साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा, और साथ ही साथ में जो है मेरी वीडियो को लाइक करिएगा शेयर भी कर लीजिएगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।